फरहान अख्तर ही नहीं, ये स्टार्स भी अपनी सौतेली माँ पर छिड़कते हैं जान। इस लिस्ट में सलमान है टॉप पर। बॉलीवुड में कम ही स्टार्स ऐसे हैं जो एक्टर होने के साथ अच्छे सिंगर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। बॉलीवुड में ऑलराउंडर होने का तमगा सिर्फ फरहान अख्तर को मिला हुआ। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर अपने हर हुनर से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। आज यानी 9 फरवरी को फरहान अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फरहान जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी के बेटे हैं। जावेद अख्तर ने शबाना आजमी से दूसरी शादी की थी। फरहान के लिए उनकी दोनों माँ एक समान हैं। फरहान भले ही अपनी माँ हनी ईरानी के साथ रहते हों, लेकिन शबाना के साथ भी उनकी गहरी बॉन्डिंग है। शबाना की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो फरहान को अपने सगे बेटे जैसा प्यार देती हैं। फरहान के करियर को आगे बढ़ाने में शबाना का बहुत योगदान है। फरहान के अलावा भी बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए उनकी सौतेली माँ सगी माँ जितनी ही प्यारी हैं और वो अपनी सौतेली माँ पर जान छिड़कते हैं। इसमें सलमान खान भी शामिल हैं। सलमान खान वैसे तो सुशीला चरक उर्फ सलमा खान और सलीम खान के बेटे हैं, लेकिन अपनी सौतेली माँ हेलेन के साथ उनका बहुत प्यारा और करीबी रिश्ता है। माँ सलमा की तरह ही सलमान हेलेन पर भी जान छिड़कते हैं। सारा अली खान और करीना कपूर खान के बीच कितना गहरा रिश्ता है, ये आज किसी से छिपा नहीं है। सारा वैसे तो सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह की बेटी है, लेकिन उनका अपनी सौतेली माँ करीना से गहरा रिश्ता है। करीना न सिर्फ सारा की ग्रूमिंग करती हैं, बल्कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रही हैं। दोनों साथ में कई बार पार्टी करते हुए भी नजर आती हैं। दोनों में माँ बेटी से ज्यादा दोस्तों की तरह प्यार है। सुप्रिया पाठक और शाहिद कपूर का रिश्ता भी सबसे अनोखा है। पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर अपनी सौतेली माँ सुप्रिया के बेहद करीब हैं। शाहिद और मीरा की शादी में सुप्रिया पाठक ने अहम भूमिका निभाई थी। हर रस्म में उनकी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखी थी। आमिर खान के बेटे जुनैद भी अपनी सौतेली माँ किरण राव के काफी करीब हैं। दोनों को कई बार साथ में पब्लिक इवेंट्स में देखा गया है। जुनैद आमिर और उनकी एक्स वाइफ रीना दत्ता के बेटे हैं। किरण भी जुनैद को अपने सगे बेटे से कम नहीं समझती।